और उन्होंने कहा कि यीशु जो है एक गुरु के पोजीशन में। तो मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या गुरु अनंत जीवन दे सकता है? लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं कि यीशु का बयान है कि वो अनंत जीवन देते हैं। क्या गुरु पाप क्षमा दे सकते हैं? लेकिन बाइबल में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह पाप क्षमा देते हैं। क्या हम गुरु से प्रार्थना कर सकते हैं, गुरु के नाम से प्रार्थना कर सकते हैं? लेकिन बाइबल में यीशु कई बार कहते हैं कि तुम मुझसे प्रार्थना करो, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो क्या वाकई में यीशु गुरु के पोजीशन में है? अमुक जी कहते हैं गुरु भी मार्ग है। बिल्कुल गलत है, गुरु मार्ग नहीं हो सकते हैं। गुरु केवल मार्गदर्शक यानी रास्ता दिखाने वाले बन सकते हैं, लेकिन यीशु रास्ता दिखाने वाले नहीं, यीशु ही रास्ता है, क्योंकि यीशु खुदा है, क्योंकि खुदा ही पाप क्षमा दे सकता है, खुदा ही अनंत जीवन दे सकता है, और खुदा के नाम से ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो अब ब्रदर फ्रांसिस ने तीन बड़ा हस्त्र फेंका है अमोक लीला प्रभु जी के तरफ, ये बताने के लिए आई एम द वे, यहाँ डिविनिटी क्लेम कर रहा है, ना कि गुरु। तो ये चीज़ बताने के लिए उन्होंने तीन चीज़ कहा है, कैन अ गुरु गिव इटर्नल लाइफ, कैन गुरु फॉरगिव्स द सिन, कैन वी प्रे इन द नेम ऑफ गुरु। तो चले हम बाइबल से क्रॉस चेक करेंगे इनका वर्स, और इसके सपोर्टिव में हम कुछ वर्स कोट करेंगे, और व्यूअर्स आप जज कर लीजिए। तो सबसे पहला, कैन अ गुरु गिव इटर्नल लाइफ, तो उन्होंने श्लोक का कोट किया गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 28, आई गिव दम इटर्नल लाइफ। तो ये जो गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 28 है, ये एक इंसिडेंट है। तो ये इंसिडेंट के बाद, जब ये श्लोक का कोट करने के बाद, लोग उनके ऊपर पत्थर फेंकना चालू कर देते हैं। देन द पीपल अगेन पिक्ड अप स्टोन्स टू थ्रो एट हिम। तो जीसस पूछते हैं, मैंने बहुत सारा अच्छा चीज़ किया है भाई, इसमें से कौन से अच्छे चीज़ के लिए तुम मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहे हो? जीसस सेड टू देम, आई हैव डन मेनी गुड डीड्स इन योर प्रेजेंस विच द फादर गेव टू डू, फॉर विच वन ऑफ दिस डू यू वॉन्ट टू स्टोन मी? तो लोग कहते हैं, हम तुम्हारे अच्छे चीज़ के लिए हम पत्थर नहीं फेंक रहे, तुम अपने आप को भगवान कहलाना चाहते हो। आई गिव दम इटर्नल लाइफ, यानी कि तुम भगवान कह रहे हो अपने आप को। तो तुरंत जीसस उनको बताते हैं, क्या हमारे बुक में लिखा नहीं है, क्या भगवान ने पहले बोला नहीं है कि यू आर गॉड्स? ये जो गॉड्स कह रहे हैं, ये बड़ा GOD गॉड, बड़ा GOD कैपिटल GOD गॉड भगवान को कहते हैं, जेहोवा को कहा जाता है। और जो छोटा GOD गॉड्स है, वो मैसेंजर को कहा जाता है। जैसे कि हिंदू धर्म में अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान और देवी देवता, तो भभगवान को बड़ा कैपिटल GOD गॉड बोलते हैं, और जो देवी देवता उसके छोटा जी मेंशन किया जाता है। तो ये इसके आगे और एक वर्स लेंगे जिससे हम और क्लैरिफाई हो जाएंगे। जैसे कि गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 21-23 अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें जीसस बोलते हैं, नॉट एवरीवन हु कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन, बट ओनली दोज हु डू व्हाट माय फादर इन हेवन वांट देम टू डू। व्हेन द जजमेंट डे कम्स, मेनी विल से टू मी, लॉर्ड लॉर्ड, इन यूर नेम वी स्पोक गॉड्स मैसेज, बाय यूर नेम वी ड्रॉ आउट मैनी डीमंस एंड परफॉर्म मैनी मिराकल्स। तो जीसस बोल रहे हैं कि अगर कोई मेरे को ऐसा बोलेगा तो मैं बताऊँगा, देन आई विल से टू देम, आई नेवर नो यू, गेट अवे फ्रॉम मी यू वेक्सड पीपल। तो जीसस कह रहे हैं कि मैं इटर्नल लाइफ देना, क्या अगर मेरे पप्पा का काम, जो यानी कि मेरे पिताजी जो कह रहे हैं, वो अगर आप नहीं करोगे, तो मैं तुमको जब हेवन में भी आओगे तो मैं बोल दूंगा मैं तुमको नहीं पहचानता हूँ। तो चलो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, कैन गुरु फॉरगिव द सिन, क्या पाप, जो हम जो पाप करते हैं उसे माफ़ कर सकते हैं गुरु? और वो उन्होंने कोट किया मैथ्यू चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 2, योर सन्स सिंस आर फॉरगिवन। तो जीसस कहते हैं, ये भी एक स्टोरी है जहाँ पर जीसस क्राइस्ट एक पैरालाइज मन को पैरालाइज भी और साथ में उनका पाप को भी मिटा देते हैं। इसमें और भी बहुत सारा रीजंस है इसके ऊपर, क्यों पैरालाइज मन है और उनका पाप कैसा निकाले। लेकिन 9.2 के बाद लोग पूछते हैं, तो उसके बाद जीसस उनको रिप्लाई देते हैं 9.6 में, आई विल प्रूव टू यू देन दैट द सन ऑफ मैन हैज अथॉरिटी ऑन अर्थ टू फॉरगिव सिंस। अर्थ में, ये जो पृथ्वी में जो पाप होता है, वो पाप मनुष्य के पुत्र भी पाप को निकाल सकते हैं।
तो उसके बाद लोग कहते हैं, अगर वही मैथ्यू चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 7 आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, द मैन गॉट अप एंड वेंट होम, व्हेन द पीपल सॉ इट दे वेर अफ्राइड एंड प्रेज्ड द गॉड फॉर गिविंग सच अथॉरिटी टू पीपल। यानी कि उन्होंने भगवान को प्रे किया कि धन्यवाद दिया कि ये जो पाप को निकालने का जो है वो अथॉरिटी इंसान को भी दिया गया है करके। तो जो इसमें जो पाप है, जो सिन इसमें मेंशन है, इसमें दो है लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम इन्हीं के कोट किया हुआ वर्स से हम ये बता रहे हैं कि सिर्फ जीसस ही नहीं, सन ऑफ मैन भी पाप को निकाल सकते हैं। तो इसके अलावा एक और श्लोका हम इसको और एक श्लोका हम आपको बताना चाहते हैं, गॉस्पल जॉन चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 21 23 अगर आप पढ़ोगे, उसमें जीसस क्राइस्ट अपने डिसाइपल्स को बोलते हैं कि जिस जिस लोग को आप उनका पाप निकालोगे तो उनका पाप चले जाएगा, जिस जिसका पाप अगर आप माफ़ नहीं करोगे उनका पाप रह जाएगा। तो मतलब सिर्फ जीसस क्राइस्ट की नहीं बल्कि उनके डिसाइपल्स के पास भी वो पावर है। तो ये दूसरा हो गया। अभी तीसरा हम देखेंगे, कैन वी प्रे इन द नेम ऑफ गुरु, गुरु के नाम से हम पूज सकते हैं, प्रे कर सकते हैं। और उन्होंने एक श्लोका बताया, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 14, इफ यू आस्क मी फॉर एनीथिंग इन माई नेम आई विल डू इट। तो हम एक काउंटर अटैक के लिए एक एक वर्स कोट करेंगे, गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30। ये अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ जीसस क्राइस्ट बताते हैं, आई कैन डू नथिंग ऑन माई अथॉरिटी, जीसस बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मेरे तरफ से। तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5:30 और गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 14 में? एक्चुअल में नहीं है। अगर आप ये जो गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 14 वर्स को समझना चाहते हो तो अगर 13 पढ़ेंगे आप तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ एक्चुअल में जीसस क्या बताना चाहते हैं। वो अगर फ्रांसिस पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो हम उनसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फिर ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन का क्या जवाब देना चाहोगे, जहाँ गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में जीसस क्राइस्ट स्वयं बोल रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ मेरे तरफ से, जो भी भगवान कहेंगे, जो भगवान बोलते हैं वही होगा। तो हमने ये 3 मेजर क्वेश्चन को यहाँ पर सवाल का जवाब देने का कोशिश किया है। थैंक यू।